जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 में जिसकी वैकेंसी आने वाली हैं, तो यहाँ पर इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर आपके काफ़ी कुछ डाउट बन रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो अब की बार रखा जाएगा। जैसे एसएससी ने अभी ट्रेंड बनाया हुआ है, चाहे हम बात करें एमटीएस की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, एसएससी जीडी की, लगभग सभी यहाँ पर आपका जो पोस्ट का एग्जाम पैटर्न है वो आपका चेंज कर दिया गया है। तो आपके आने वाले 2023 के एसएससी सीयूपी के नोटिफिकेशन में आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, एग्जाम पैटर्न में, फिजिकल में, टायर वन टायर टू में क्या आपके चेंज हो सकते हैं, चलिएगा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो अभी एसएससी ने अपने एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए हैं, एक बार आपको हम वो बता देते हैं। ये आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो है आपका एमटीएस की वैकेंसी, जो कि आपके साल 2023 में आउट कर दी गई हैं। इसमें जो आपका सेशन वन है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो मेरिट आपकी बनने वाली है वो आपकी बनेगी सेशन टू के बेस पर। और एमटीएस के एग्जाम में जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो भी आपका जो है ख़त्म कर दिया गया है। ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो है आपका सीजीएल का, यहाँ पर भी जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपका ख़त्म हो चुका है, और ये आपका टायर वन का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका रहने वाला है, जो कि आपका कैसा है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये आपका सीजीएल टायर टू का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। जो मेरिट आपकी बनेगी वो आपकी इसी टायर टू के बेस पर बनने वाली है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो है आपका सीएचएसएल की वैकेंसी, जिसका एग्जाम आपका 2023 में कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पर भी जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो ख़त्म कर दिया गया है, और ये जो टायर वन का एग्जाम पैटर्न है वो आपका कर दिया गया है, कैसा, क्वालिफाइंग नेचर का। और इसके बाद ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो टायर टू का है, जो कि आपका रखा गया है सीएचएसएल के लिए। यहाँ पर भी जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो आपकी इसी टायर टू के बेस पर बनने वाली है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका जीडी का एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके घटा दिए गए हैं, जो टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो भी घटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी चेंजेस को देख करें सीपीओ 2023 में जो चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, एक बार वो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जो आपका सीपीओ का पीछे एग्जाम पैटर्न रहा है वहाँ पर पेपर वन, या फिर इसको अगर हम कहें जो टायर वन का एग्जाम पैटर्न है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आपके हर एक सेक्शन से 50 क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होता था, 2 घंटे का टाइम मिलता था, और यहाँ पर जो है जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपके रखी जाती थी। तो अब 2023 के नोटिफिकेशन में जो चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, अगर हम कंपैरिजन करें सीजीएल से, सीएचएसएल से, एमटीएस से, या फिर जीडी के एग्जाम से, तो इन सभी के आधार पर ये बिल्कुल कन्फर्म है कि जो टायर वन है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जो सीजीएल में आपका हुआ है, जो सीएचएसएल में हुआ है, जो एमटीएस में हुआ है, सेम चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर जो सीपीओ में टायर वन है वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का देखने को मिल सकता है। यानी कि इसमें ये जो टायर वन है सिर्फ आपको पास करना होगा, जो फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है वो आपको मिलेगा टायर टू के बेस पर। टायर टू में क्या होता था आपको पता है, जो आपका टायर टू होता था वो आपका फिजिकल के बाद होता था, जिसको हम पेपर टू भी बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको इंग्लिश के 200 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, और यहाँ पर जो है 200 नंबर का आपका पेपर टू होता था, और इसी 200 प्लस में 200 यानी कि 400 नंबर के आधार पर जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका तय किया जाता था। लेकिन अब की बार क्या हो सकता है कि जो पेपर टू है सिर्फ इसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन तय हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें जो आपका जीके है, या फिर जो आपका रीजनिंग है, या फिर मैथ है, ये तीनों सेक्शन भी जो है आपको देखने को मिल सकते हैं।
तो इसलिए जो आपको तैयारी करनी है वो इस तरीके से करनी है कि यहाँ पर अगर चारों सब्जेक्ट भी आपके ऐड कर दिए जाते हैं फाइनल मेरिट के लिए, तो वहाँ पर भी बिल्कुल सिलेक्शन आप लोग ले सकें। ओके, तो ये जो आपका एक्सपेक्टेड एक एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि हमें लगता है कि 80-90% बिल्कुल यही होगा, वो आपको हमने बता दिया है। ओके, तो यहाँ पर अगर अभी से इन चार सब्जेक्ट कौन कौन से, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ, अगर इनको अभी से आप साथ में लेकर चलते हैं तो जब नोटिफिकेशन आएगा या फिर जब एग्जाम होगा तो वहाँ पर बिल्कुल भी जो आपको टेंशन नहीं होगी, सिलेक्शन आप आराम से ले पाएंगे। अब अगर बात करें कि क्या आपका जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो सकता है, तो फिजिकल के लिए देखिएगा जो PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें आपकी हाइट और जो चेस्ट है प्लस में जो वेट है वो मेजर किया जाता है, ये बिल्कुल आपका सेम रहेगा, इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो आपका PET होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, जिसमें आपके रनिंग प्लस में लॉन्ग जंप, हाई जंप और जो शॉर्ट पुट है वो आपका कंडक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर 100% शायद इसमें भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। जो चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है वो इतना हो सकता है कि टायर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है, इसके बाद टायर 2 में आपको जो चारों सब्जेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पर देखिएगा एग्जाम पैटर्न आपका आने वाला कैसा भी हो, लेकिन अभी जो तैयारी आपको करनी है वो इसी तरीके से करनी है कि चारों सब्जेक्ट बिल्कुल आपको अभी से जो है साथ में लेकर चलने हैं, ताकि एग्जाम कैसा भी हो उसमें हर तरीके से जो है आप सिलेक्शन के लिए रेडी हों। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और अगर बात करें वैकेंसी की कि क्या वैकेंसी आपको जो अभी आउट की गई थी 2022 में उससे ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, तो वैकेंसी 2022 के कंपेरिजन में ज़्यादा आने के चांस कम हैं। कम क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर आपकी एक साल बीच में वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए 2022 में जो वैकेंसी हैं वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिली थी। बाकी वैकेंसी कितने भी हों, आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए और उसके लिए जो आपको जी जान लगा देनी है। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।